शांति सेवा संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष पूर्वांचल हाफ मैराथन दौड़ कराई जाती है, जो पूर्वांचल की अपनी अलग ही पहचान बना रही है। 9 अगस्त को होने वाली यह दौड़ पूर्वांचल की सबसे बड़ी दौड़ है, जिसकी लंबाई लगभग 22 किलोमीटर है। इस दौड़ में देश से हजारों की संख्या में धावक प्रतिभाग करेंगे। 9 अगस्त को प्रातः 6 बजे से ये दौड़ विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से रवाना होकर पैडलेगंज, मोहद्दीपुर, कूड़ाघाट, इंजीनियरिंग कॉलेज, खोराबार, देवरिया बाईपास, सिक्टौर, सहारा स्टेट, तारामंडल चौकी से होते हुए पुनः विश्वविद्यालय पर आकर समाप्त होगी। पूर्वांचल हाफ मैराथन दौड़ महिला और पुरुष दोनों वर्गों के लिए है। दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को 51,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। दौड़ में हिस्सा लेने आए धावकों के लिए रहने और खाने पीने की उचित व्यवस्था किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अमलेश पांडे ने कहा। अच्छा, अरे लास्ट 9 ईयर से मैराथन हम लोग कर रहे हैं, ये 9वां साल कंप्लीट करने जा रहे हैं और इसका उद्देश्य खेल और खिलाड़ी को बढ़ावा देना है। पहले तो अगर 21 किलोमीटर धावक दौड़ते हैं तो 21 किलोमीटर का एरिया जब वो दौड़ रहे हों तो उस बीच में मुझे लगता है कि गोरखपुर का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 50% कैटर हो जाता है। इन बिटवीन लोग जो आए वो तो ठीक है, जो नहीं आए उनने भी देखा और उससे उनको भी उत्साह मिलता है, उनको लगता है कि कुछ अच्छे कार्य शहर में हो रहे हैं। खिलाड़ियों को रुकने की व्यवस्था विश्वविद्यालय में की गई है, रुकने की खाने की सारी व्यवस्था विश्वविद्यालय के अंदर की गई है और अगले दिन सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट होगा।